ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं, हाउ इज मेड एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल एक कार्बन एंड इस कंपाउंड से रिलेटेड, कार्बन एंड इस कंपाउंड से रिलेटेड से। और आज जिस टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एल्कोहल एथेनॉल एथिल एल्कोहल हम लोग व्यापक स्तर पर ट्रेडिशनल पैमाने पर कैसे बनाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मैट्रिक कैंडिडेट्स 2021 कि व्यापक पैमाने पर हम लोग एथिल एल्कोहल एथेनॉल कैसे बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एथिल एल्कोहल इस एक्सपेरिमेंट्स में कहा जाए या इस जो भी हमारा मतलब कि थ्योरी है या एक्सप्लेनेशंस हैं, इसमें जो भी हमारा टर्म आ रहा है, सबसे पहले मैं उससे आप लोगों को परिचित कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका है एल्केन, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n हो गया नंबर ऑफ एटम्स, n की जगह पर अगर दो हम पुट करते हैं तो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकेंड मेंबर प्राप्त होगा। पहला मेंबर्स सिंपलेस्ट मेंबर्स, फर्स्ट मेंबर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फैमिली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली इज मेथेन। ये आप देख रहे हैं C2SH, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, n बराबर 2 लेने के बाद एथेन प्राप्त होगा, जिसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकेंड मेंबर कहते हैं। एल्केन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करने के बाद एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग रेडिकल बचता है, उसमें इल प्रत्यय लगता है। जैसे मेथिल में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो मेथिल कहलाएगा, उसी प्रकार एथेन में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो यहां से आपका यहां तक एथिल और हाइड्रोजन को मैंने जो डिस्प्लेसमेंट किया वहां पर हाइड्रोक्सिल मोलर को प्लेसमेंट कर दिया। क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप के कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल OH, इसका वैलेंसी 1 होता है, इस प्रकार से यह हुआ एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल इसका जनरल फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स CnH2n+1 into OH। अगर n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर 6 हम करते चले तो एल्कोहलिक ग्रुप का आपका सजातीय श्रेणी मिलेगा। और दो कंटिन्यूअस एल्कोहलिक ग्रुप यानी किसी भी ग्रुप में दो कंटिन्यूअस कंपाउंड का डिफरेंस CH2 होता है,
सबका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए, कॉम्प्लेक्स मींस होता है जटिल। जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम कोई खास काम नहीं करता, एक प्रकार का कैटालिस्ट होता है जो कि क्रियाशीलता को बढ़ाता है और फिर अपने प्री फॉर्म में ही रह जाता है। एंजाइम्स जो होता है वह एक कैटालिस्ट का काम करता है एल्कोहल को बनाने में, और एल्कोहल बनने के बाद वह अपने प्री फॉर्म में हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है माइक्रो ऑर्गेनाइज्ड सूक्ष्म जीव का, जीवाणुओं का, जिसको कि हम लोग ईस्ट के नाम से जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनस कंपाउंड्स, जटिल नाइट्रोजनी यौगिक, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनस कंपाउंड, जटिल नाइट्रोजनी यौगिक, जिसे एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो एल्कोहल जब बनाने का प्रयास करेंगे, ये जो परंपरागत तरीके से हमारे नेटिव वगैरह में आप बनाते देखे होंगे, तो वह एक प्रकार का क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और यह जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, यह क्या करता है, डिकम्पोज के प्रोसेस को तीव्र कर डालता है। डिकम्पोजिशन जो कि जटिल कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज जो टूटता है उसको तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एंजाइम्स का होता है, और फर्मेंट्स का होता है। और एल्कोहल के प्रिपरेशन में खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मेथेन एक्सोथर्मिक, और उष्मा भी निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और उष्मा भी निकलता है। ये लैटिन भाषा के वर्ब से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उबलना। किन्नु के द्वारा जो प्रोसेस मैंने संपादित किया, फर्मेंट के द्वारा जो मैंने प्रोसेस एल्कोहल बनाने के लिए संपादित किया, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। किनोवन मैंने फर्मेंट, मतलब कि वह एक प्रकार का जब वो उबलना शुरू होता है, तो हम समझ जाते हैं कि एल्कोहल का बनना क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। एल्कोहल का बनना यानी एल्कोहल अपने प्रोसेस में है। इसलिए किन्नु के द्वारा जो डिकम्पोजिशन जो हुआ, मतलब इसके द्वारा जो डिकम्पोजिशन हुआ एंजाइम जैसे केटालिस्ट के उपस्थिति में, तो किन्नु के द्वारा वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन संपादित होता है, और भारी मात्रा में ऊष्मा भी निकलता है, और CO2 H2CH4 और ऊष्मा तो निकल, इसलिए हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और यह ध्यान दिया जाता है कि इन गैसों के निकलने के जो रास्ते होते हैं, उस रास्ते से बाहर की हवाएं प्रवेश नहीं कर जाती। अगर बाहर की हवाएं उसमें प्रवेश कर जाती है तो एसिटिक अम्ल बनेगा, और ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनेगा। अगर कोई व्यक्ति उसका सेवन करता है तो लीवर उसी प्रकार स्कंदित कर डालेगा जिस प्रकार की तावे पर हमारा अंडा स्कंदित होता है। तो अब रही बात कि आखिर व्हाट आर रॉ मटेरियल टू मेक एल्कोहल, एल्कोहल के लिए रॉ मटेरियल आखिर होता है क्या, आखिर कौन से रॉ मटेरियल हम लाएंगे, तो जिसमें सुक्रोज हो, ज्यादा शुगर की मात्रा हो, ज्यादा चीनी की मात्रा हो, वैसे हम सब्सटेंस का उपयोग करते हैं एल्कोहल को बनाने में। जैसे आपने नाम सुना होगा
फ्रॉम मोलासेस छोआ। केतारी का नाम सुने होंगे, केतारी के रस से चीनी निकाल लेने के बाद उस रिमेनिंग सब्सटेंस बच जाता है। केतारी के रस से, ईख के जूस से सुगर निकाल लेने के बाद भी उस रिमेनिंग जो सब्सटेंस होता है उसमें कुछ सुगर की मात्रा रह जाती है, जिसको मातृ द्रव कहते हैं या मदर लिक्वर कहते हैं, मदर लिक्वर कहते हैं। तो किसी भी प्रकार का ग्रेन्स हो, किसी भी प्रकार का फ्रूट्स वगैरह हो जिसमें कि कम से कम सुक्रोज की मात्रा मैक्सिमम हो, हम लोग क्या करते हैं उसको एक कंटेनर में रखकर, और ये जो आपका ईस्ट जो होता है वह एक प्रकार का जैविक सब्सटेंस होता है, लिविंग सब्सटेंस होता है, जो मार्केट में पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। ये जिसको कि हम लोग कवक भी कहते हैं वह है जैविक सब्सटेंस के रूप में मार्केट में डस्ट के रूप में उपलब्ध है। और स्वतः जब ईस्ट हमारा एक्टिव कब होगा, जब इस एंजाइम्स की उपलब्धि होगी, जब उसमें थोड़ा पानी और उस सुक्रोज सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो जब उसको एडेप्टेड टेम्परेचर मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर पर ये डेट कर जाएगा, आपका जो ईस्ट है ज्यादा टेम्परेचर पर डेट कर जाएगा, जब उसको एडेप्टेड मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपका ये इन्वर्टेज जाइमेज माल्टेज एंजाइम्स, एक प्रकार का ये प्रोटीन्स होता है, ये एंजाइम्स स्वतः ईस्ट के साथ उत्पन्न होता है, जेनरेट होता है, जो मार्केट में ईस्ट पाउडर के नाम से भी उपलब्ध है। तो जब हम लोग सुक्रोज जल और उस ईस्ट पाउडर को उसमें डाल देते हैं स्पंजी बनाने के लिए, हमारे दुकानदार लोग भी इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को बनाने में, फूड सब्सटेंस को बनाने में करते हैं, तो सुक्रोज वैसे सब्सटेंस का उपयोग करेंगे जिसमें सुक्रोज शुगर की मात्रा ज्यादा हो, उसमें जल मिलाते हैं, उसके बाद बॉइलिंग करने के बाद जब उसको एडेप्टेड टेम्परेचर मिलेगा तो ईस्ट के साथ ये आपका जो एंजाइम्स है स्वतः एक्टिव हो जाएगा। तो ये जटिल जो सुक्रोज कंपाउंड देख रहे हैं यह डिकम्पोज होता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। और आपको पता है ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब नहीं होता है तो चूंकि ये जो ईस्ट है वह नॉन ऑक्सी और नॉन ऑक्सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यह ऑक्सीजन के अभाव में अपने रेस्पिरेशन की क्रिया को संपादित करते हैं। तो फर्स्ट वेव में दो सब्सटेंस बना, एक बना ग्लूकोज, दूसरा बना फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज पुनः चूंकि उसी कंटेनर्स में है, अब जाइमेज नामक एंजाइम्स की उत्पत्ति होती है और ईस्ट तो पूरा एक्टिव है। और जब तक ये जाइमेज केटालिस्ट के रूप में रहेगा और ईस्ट आपका एक्टिव रहेगा, और इस ईस्ट का भूमिका यही है कि किण्वन के प्रक्रिया को बढ़ाना और यह एल्कोहल बनने के बाद अपने प्री फॉर्म में ही रह जाता है। अगर एंजाइम जनरेट नहीं होता है तो ईस्ट हमारा क्रियाशील नहीं होगा, और ये आपका टूटकर ग्लूकोज टूटकर ये आपको एल्कोहल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एक्सोथर्मिक उबलना मतलब उष्मा का देना, तो उष्मा देने का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ध्यान यह रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है बाहर से कोई हवाएं उसमें प्रवेश नहीं करें, अगर बाहर से हवाएं प्रवेश कर जाती है तो वह ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाएगा और उसका सेवन जानलेवा होता है और जानलेवा हो सकता है। इसलिए यह
बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कि बाहर की हवाएं ऑक्सीजन अंदर प्रवेश नहीं करे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी के मुताबिक इसको आश्रित करके एल्कोहल को अलग कर लेते हैं। ये आपका व्यापक स्तर पर हम लोग एल्कोहल किस प्रकार बनाते हैं। और अगले नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक चलेगा इसका यूटिलाइज क्या है, उपयोगिताएं क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि हमने बताया कि एल्कोहल के संदर्भ में जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो नए नए टर्म कौन से आए, आपको यह पहले से पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2 और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकेंड मेंबर होता है एथेन। और मैंने बताया था कि अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करेंगे रिमेनिंग जो रेडिकल बचेगा उसमें इल प्रत्यय लगता है एथिल से एथिल, और हाइड्रोजन जो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया उसके जगह पर हाइड्रोक्सिल्स रेडिकल को डाला, इस प्रकार से बना एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, इसकी वैलेंसी 1 होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। ये जटिल जो होते हैं कौन होते हैं, एंजाइम्स जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जिसे एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत प्रकार के होते हैं जैसे माल्टोज है, माल्टेज है, इन्वर्टेज है, जाइलेज है। और डिकम्पोज मतलब कहने का मतलब जो ये जटिल कंपाउंड्स वगैरह है इसको तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग डिकम्पोज कहते हैं। और फर्मेंट यहाँ पर किसकी भूमिका, कौन भूमिका निभाता है, ईस्ट। ईस्ट जो है फर्मेंट या एक जैविक सब्सटेंस होता है, मार्केट में जो पाउडर के नाम से आपको दिखता है बेकिंग ईस्ट पाउडर मार्केट से खरीद कर जब हम लोग ये एल्कोहल बनाने के प्रोसेस में जुटते हैं तो सुक्रोज के साथ में वाटर प्लस ईस्ट का जो पाउडर होता है, जैविक सब्सटेंस होता है, उसको मिला देते हैं। और एडेप्टेड क्लाइमेट तैयार होने के बाद या ऑटोमेटिक इसके साथ में एंजाइम क्या होता है, जेनरेट होता है। उबलने की इस परिघटना को फर्मेंटेशन कहते हैं, क्योंकि किन के द्वारा, किन मतलब हुआ ईस्ट, किन मींस ईस्ट हुआ और इसका लैटिन भाषा में नाम होता है उबलना। अब रही बात की भाई किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है जिसमें सुक्रोज की मात्रा सबसे ज्यादा हो। जैसे आपने सुना होगा कि केतारी के रस से हम लोग चीनी बनाते हैं, चीनी की अधिकांश मात्रा निकाल लेने के बाद जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचता है उसको छुआ कहते हैं, उसको कहते हैं फ्रॉम मोलासेस। तो जो रिमेनिंग सब्सटेंस है उसको कहते हैं मदर लिक्वर। कहने का मतलब है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिकांश होती है। एंजाइम तो मैंने बताया ही था, तो वैसे सब्सटेंस को लेते हैं जिसमें सुक्रोज की मात्रा अधिकांश रूप में हो, जल के साथ और ब्रेकिंग इसको डालते हैं। एडेप्टेड क्लाइमेट मिलने के बाद यह एंजाइम क्रियाशील होता है और उस वह कैटालिस्ट के काम करने के चलते यह ईस्ट मोर रिएक्टिव होता है। और उसके बाद वह क्या करता है, कौन सी अभिक्रिया करता है, फर्मेंटेशन की अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप यह डिकम्पोज होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। और पुनः ग्लूकोज के, अब ग्लूकोज का जो डिकम्पोज होगा ईस्ट के उपस्थिति में उस समय जाइनेज एंजाइम्स जनरेट होगा और इसका अंतिम प्रोडक्ट जो होगा, प्राइमरी प्रोडक्ट आपका एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। और ध्यान यह रखा जाता है कि बाहर से कोई हवाएं प्रवेश नहीं करें, अगर हवाएं प्रवेश करती है तो एसिटिक अम्ल बनेगा जिसका सेवन करने से वह भयंकर ही जानलेवा साबित हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। आप नेक्स्ट डे इसके हम लोग प्रॉपर्टी पे चलेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।